Hello guys and welcome to my channel for the end dates. So today we are going to make bookmark. I think bookmark is very very important to all of us क्योंकि जो students होते हैं उन्हें बहुत सारे अलग अलग chapters और subjects पढ़ने होते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं कि teacher ने last कौन से पेज पे थे या लास्ट क्या करवाया था। तभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, हम किसी को पूछ भी नहीं सकते कि यार कल क्या करवाया था, तो कभी कभी हम फंस जाते हैं। तो या और जो नेक्स्ट है वो बुक लवर के लिए, तो बुक लवर्स तो हमेशा अलग अलग बुक्स पढ़ते रहते हैं तो उन्हें कोई रीज़न नहीं चाहिए। और जो क्राफ्ट लवर है उनको भी कोई रीज़न नहीं चाहिए बिकॉज दे जस्ट लव टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ्स। और नॉर्मली हम जब किसी पेज पे या बुक पे कोई स्पेशल थिंग या किसी का कैलकुलेशन किसी का नंबर वगैरह लिखते हैं तो वो स्पेशली उस पेज को हाईलाइट करने के लिए भी हम बुकमार्क यूज कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, सैनिटाइज, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड स्टे सेफ, स्टे होम। पहला बुकमार्क जो हम बनाएंगे वो फैदर बुकमार्क है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक फैदर चाहिए और एक रफ पेज क्योंकि हम फैदर को पेंट करेंगे। फैदर को पेंट करने के लिए आप कोई भी शेड्स यूज कर सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ब्राइट शेड्स यूज कीजिए तभी आपका फैदर अट्रैक्टिव दिखेगा। शॉप पे जाके फैदर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी यहाँ पे पिजन का जो असली फैदर होता है, नेचुरल फैदर होता है, वही यूज़ किया है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से शॉप पे जाके फैदर परचेज करो। पेंट करने के लिए आप जो भी कलर्स या शेड्स यूज़ कर रहे हो उसको हो सके उतना थिक ही रखना है, एक या दो ड्रॉप पानी ही यूज़ करना है। अगर आप चाहे तो पेंट सूख जाने के बाद मार्कर या स्केच पेन से कोई डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी रहने दे सकते हो और या तो फिर सिर्फ और सिर्फ स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हो। ये जो नीचे छोटे छोटे फैदर या जो भी है वो मुझे कलर करने के बाद ज़रा भी अच्छे नहीं लगे इसलिए मैं इन्हें काट रही हूँ। नाउ इट इज़ अ डेकोरेटिंग पार्ट जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है और इस फैदर को डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ी सी ड्राई ग्लिटर स्प्रिंकल की है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर स्प्रिंकल कीजिए लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में आती है ग्लू जैसी वो मत यूज़ कीजिए, वो अच्छी नहीं लगेगी, ड्राई हो तो भी यूज़ कीजिए। दूसरा जो बुकमार्क है वो स्टिक बुकमार्क है क्योंकि इसमें हम सिर्फ स्टिक और कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे। इस बुकमार्क को बनाने के लिए आपको ज़रा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ठीक कार्डबोर्ड पे कोई भी शेप ड्रॉ कर दीजिए। उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने गिफ्ट फॉरएवर का पिछला हिस्सा यूज़ किया है और एक बार डेकोरेट हो जाए उसके बाद उसको स्टिक से अच्छी तरह से चिपका दीजिए। थर्ड बुकमार्क पेपर इज बुकमार्क है, आई नो नाम थोड़ा वियर्ड है बट इट्स ओके। सो इसके मार्जिन बनाने के लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया है, अगर आपके पास नहीं है तो सॉल्यूशन तो आप देख ही सकते हैं। थर्ड बुकमार्क पेपर इस बुकमार्क है, आई नो नाम थोड़ा वियर्ड है बट इट्स ओके। आपने जो भी शीट्स यूज़ किए हैं वो एक दूसरे से अच्छी तरह से मर्ज हो जाए उसके लिए आपको पेंट में बहुत सारा पानी डालना है और बहुत सारा, मतलब कि इतना सारा भी नहीं कि आपका पेपर ही फट जाए।
अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी सॉल्ट स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि एक अच्छी सी इफ़ेक्ट आएगी अगर आप सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे तो। पेंट सूख जाने के बाद अगर आप सॉल्ट स्प्रिंकल करते हो तो कोई भी इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखेगी। जब पेंट सूखा ना हो तभी आप सॉल्ट स्प्रिंकल कर दें, इसलिए मैं थोड़े पोर्शन में पेंट करती हूँ, कलर करती हूँ और उसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करके फिर आगे बढ़ती हूँ। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा उसके बाद हम सॉल्ट हटा के देखेंगे कि इफ़ेक्ट कैसी आई है। ये वाले बुकमार्क को बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक की शीट या रैपर चाहिए और थोड़ी सी स्केच पेन। आपको जितने भी पोर्शन में पेंट या कलर फिलअप करना है उतने पोर्शन में आप स्केच पेन से लाइन्स ड्रॉ कर दीजिए। आप इस पर कोई भी लाइट या डार्क शेड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइट शेड्स यूज़ करते हैं तो सारे शेड्स लाइट यूज़ कीजिए और अगर डार्क करते हैं तो सारे डार्क। अब आपने जितने पोर्शन में स्केच पेन से लाइंस ड्रॉ की है उतने पोर्शन में पानी स्प्रिंकल करना है। अगर आपके पास स्प्रे है फिर भी आपको स्प्रे यूज़ नहीं करना है क्योंकि जो साइड का पेपर है वो आपको गीला नहीं करना है, इसलिए मैं अपनी फिंगर्स का ही यूज़ कर रही हूँ पानी स्प्रिंकल करने के लिए। प्लास्टिक को उल्टा करके पेपर पे रख दीजिए और हाथों से कलर्स को स्प्रेड कर दीजिए। So as you can see the results, effect तो बहुत ही अच्छी लग रही है। इस बुकमार्क के लिए मैंने कुछ येलो और कुछ ऑरेंज शेड्स यूज किए हैं। इस पर मैं थोड़े से राइस के दाने स्प्रिंकल कर रही हूँ और जैसे कि हमने सॉल्ट में किया था सूख जाने के बाद नहीं करना है, वैसे ही राइस में करना है, सूखने के बाद नहीं करना है, नहीं तो इफेक्ट अच्छी नहीं आएगी। और जैसे कि मैंने पहले कहा था अब जो भी शेड्स यूज कर रहे हैं उसमें पानी ज्यादा रखना है और इतना भी ज्यादा नहीं कि पेपर ही फट जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी जगह पे पेंट्स अच्छे से मर्ज नहीं हो रहे हैं तो आपके पेंट ब्रश पे थोड़ा सा एक या दो ड्रॉप वाटर लेके, पानी लेके अच्छे से उनको मर्ज कर दें। इस वाले बुकमार्क पे मैंने थोड़े से ब्लू और थोड़े से पर्पल शीट्स यूज किए हैं और जैसे वो राइज वाली टेक्निक की थी वैसे ही इस पे भी वही राइज वाली टेक्निक मैंने अप्लाई की है। आई थिंक कि अब ये राइस अच्छी तरह से सूख चुका है तो मैं राइस निकाल के देखूंगी कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे आए हैं, जहाँ पर हमने राइस स्प्रिंकल किए थे वहाँ पर वाइट वाइट पैचेस हो चुके हैं। अब ये सॉल्ट वाले बुकमार्क की बारी है जिस पे हमने सॉल्ट स्प्रिंकल की थी। रिजल्ट्स तो इस पे भी बहुत ही अच्छे आए हैं, जैसा मैं चाहती थी वाइट वाइट पैचेस इस पर भी हो गए हैं। अब मैं इन बुकमार्क्स को डेकोरेट करूंगी और इस बुकमार्क को डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ डिजाइन ड्रॉ करूंगी और कुछ अच्छी अच्छी लाइंस लिखूंगी। अगर आप चाहें तो कोई डिजाइन भी बना सकते हैं या तो फिर कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टिकर यूज करते हैं तो भी वो बहुत ही अच्छा लगेगा। नाउ फाइनली हमारा बुकमार्क बिल्कुल रेडी है।
ग्रीन वाले बुकमार्क पे मैं कुछ ड्रॉ करूँगी और कुछ अच्छी लाइंस लिखूंगी। अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइंस लिख सकते हैं, या तो फिर कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं, या तो फिर कुछ भी नहीं करना, तो कुछ भी नहीं करोगे फिर भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप कुछ पेंसिल से भी ड्रॉ कर रहे हो फिर भी बहुत ही केयरफुली ड्रॉ कीजिए, क्योंकि अगर आप इरेज करने के लिए जाओगे तो वो आपका कलर खराब हो जाएगा। वैसे इस पर मैं लिखने वाली हूँ, व्हाट यू थिंक मैटर्स ओनली। सो नाउ यस, हमारा ये वाला बुकमार्क भी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। इस वाले बुकमार्क में मैं सिर्फ कुछ ड्रॉ करने वाली हूँ। मैं ये एक हाउस का रूफ बना रही हूँ जिस पे एक लड़का खड़ा होगा। मुझे कुछ शाइनिंग स्टार्स भी बनाने हैं, तो मैं अपनी लीड पेन से वाइट कलर में उसको डिप करके स्टार्स बनाऊंगी। अब जबकि मैं शाइनिंग स्टार्स बना रही हूँ तो शाइन करता हुआ दिखाने के लिए मैं कुछ आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ स्ट्रोक्स ड्रॉ करूंगी। इस बुकमार्क पर मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉजिटिव लाइंस लिखूंगी, क्योंकि जब भी फिर आप उस बुकमार्क को देखेंगे तो आपका पूरा दिन रिफ्रेशिंग और पॉजिटिव हो जाएगा। आप कुछ ऐसे लाइंस भी लिख सकते हैं जो आपको बुक रीड करने पर और भी ज़्यादा इंस्पायर करे, क्योंकि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स और बुक्स रीड करना बहुत ही अच्छा होता है। क्यूरेटिव पेंट करने के बाद वो सब मैंने सेलो टेप और सब कट करके फिर बताई है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।